नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शाहजी गार्डन। मैं पंकज शाह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने घर पे रुई का पेड़ आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं कि इसमें रुई आने से पहले कितने अच्छे फूल आते हैं। मैं आपको इसके बीज से पौधा तैयार करने के दो तरीके बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके बीज से ये पौधा तैयार किया है। ये 5 महीने का पौधा है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें रुई भी आने लगी है। और इसके बीज कुछ इस प्रकार के होते हैं। आप या तो इसके सीड्स को किसी सीड स्टोर से खरीद सकते हैं, या आपके घर के आसपास कोई कॉटन का पेड़ हो, आप वहां से भी इसके सीड्स को कलेक्ट करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये कॉटन के सीड्स ले लिए हैं और पहले मेथड में हम इसको टिश्यू पेपर की हेल्प से जर्मिनेट करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टिश्यू पेपर की और स्प्रे बॉटल की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने सीड्स को इस टिश्यू पेपर पर ऐसे प्लेस कर देना है। अपने सारे सीड्स को इस पर प्लेस कर दें। और जब आप इनको प्लेस कर दें तो उसके बाद इस पे हल्की हल्की वाटर की शावरिंग कर दें, कुछ इस प्रकार। वाटर की शावरिंग करने के बाद अपने टिश्यू पेपर को फोल्ड कर दीजिए। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है और इस टिश्यू पेपर वाले मेथड से आप किसी भी सीड को बड़ी आसानी से जर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। और जब आप इसको रैप कर दें उसके बाद इस पर फिर से वाटर की शावरिंग कर दें। जब वाटर की शावरिंग पूरी हो जाए उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस एयर टाइट कंटेनर की। उसके बाद अपने इन सीड्स को इसमें ऐसे प्लेस करके इस पर फिर से एक और बार वाटर की शावरिंग कर दें और इस कंटेनर को बंद करके ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। तो दोस्तों, हमने जो कॉटन के सीड्स जर्मिनेट होने के लिए रखे थे, आज उनको 3 दिन हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं जर्मिनेट हुए हैं या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 3 दिन में कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। अब इनको मिट्टी में लगाने का समय आ गया है। और दूसरे मेथड में इन सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए हम सॉइल का यूज़ करेंगे। दोस्तों, मैंने जो है सॉइल मिक्स बनाया है, इसमें 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% सैंड का यूज़ किया है। और आप इन सीड्स को मिट्टी में लगाने से पहले अपने सॉइल मिक्स को हल्का सा वाटर से शावरिंग कर दें। उसके बाद अपने इन सीड्स को इसमें प्लेस कर दें। एक कप में एक ही सीड को लगाना है और इसको प्रेस करने के बाद इसको हल्की हल्की मिट्टी से कवर कर दें, कुछ इस तरीके से। और जब आप अपने इन दोनों सॉइल मिक्स में जो आपने सीड्स लगाए हैं उसको फिर से वाटर से शावरिंग कर दें और इस कप को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।